सेविका सहिका आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, बैठक कर बनाया हड़ताल का रूपरेखा, लिया निर्णय। किनगर प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में सभी सेविकाओं ने बैठक कर 21 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की अवधि में हड़ताल से संबंधित रूपरेखा बनाते हुए विस्तार से चर्चा किया। प्रखंड सेविका सहिका संघ की अध्यक्षता रीना कुमारी ने बताया कि आज से प्रखंड की सभी सेविका सहिका अपनी मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस हड़ताल की अवधि में हड़ताल का क्या रूपरेखा होगा, इस पर विचार करते हुए बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के साथ हड़ताल जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित निर्णय के अनुसार 29 सितंबर से 15 दिनों तक, जिसमें 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक राज्य के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जनप्रतिनिधियों, जिसमें विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य से मिलकर मांग पत्र समर्पित किया जाएगा। 2 नवंबर से 6 नवंबर तक जिला समाहरणालय के समक्ष 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम किया जाएगा। 25 नवंबर को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा संबंधी निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं रूपरेखा के साथ हड़ताल जारी रहेगा। सेविकाओं की हड़ताल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई के साथ अन्य कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये बैठक किए हैं। 29 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 15 दिनों तक परियोजना में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जनप्रतिनिधियों, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य में से मिलकर मांग पत्र समर्पित किया जाएगा। 2 नवंबर से 6 नवंबर से जिला समाहरणालय के समक्ष 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम, 25 नवंबर को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य स्तरीय बैठक होगी, जिसमें आंदोलन के आगामी रूपरेखा संबंधी निर्णय लिया जाएगा। जी अभी रूपरेखा बता रहे हैं। हम लोगों का सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सेविका को 21,000 मानते, सहिका को 18,000 किया जाए, और हम लोगों सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हाँ, पहले भी 2 फरवरी को किए थे, उसमें भी हम लोगों का आश्वासन मिला था कि आप लोगों को मानदेय बढ़ाया दिया जाएगा। नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं दिया हम लोगों को। हम लोगों को बच्चा सब भीख मांगता है, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। अल्प तो हम लोगों को अल्प मानदेय मिलता है, उसमें भी 4 महीना से नहीं मिला है। काफी नहीं रखेंगे तो हम लोग ताला लॉक रखेंगे, बंद रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र, अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। पूरे बिहार में हड़ताल है। हाँ दे दिए प्रखंड में, जी सभी जगह दे दिए। हड़ताल 29 सितंबर से चालू हुआ है। 246 है आंगनबाड़ी के, जी सभी जी 15 दिन तक करेंगे यहाँ। उसके बाद जिला जाएंगे, 5 दिन जिला में धरना प्रदर्शन, उसके बाद विधानसभा घेराव करेंगे। नहीं बंद रखेंगे केंद्र, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेंगे। रीना कुमारी जी, प्रखंड अध्यक्ष सेविका सहिका। सरकार भी तो अपना भोजन जो दे रहा है तो उसको महंगाई तो देख रहा है। हम लोग इतना कम पैसा में कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे, या सहिका कहाँ से अपना बच्चा को, बाल बच्चा को मेंटेनेंस करेगी? 4 घंटा सहिका रह जाती है काम पर, दूसरे काम तो नहीं जाएगी करने। इतना कम पैसा हम सहिका लोग भी अपना जीवन कैसे प्रतिपाल कर सकता है? महंगाई सरकार देखे कि कर रुपया चावल, कर रुपया
है, सरकार भी आहरा ले रहा है भोजन का, हैं? सेविका को भी तो है महंगाई का दिन। चुनाव होना था, तेजस्वी सरकार भी वचन दे के गए थे, लेकिन वो भी झूठा हो गया, वो भी हम लोग का नहीं पूरा कर सके। उसको तो होना चाहिए, जिसको वचन दिए हैं उसका भी तो हमको पूरा करना है। तभी इलेक्शन था, जितना था तो सहिका सेविका से वोट दिला दिए हम लोग, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ नहीं सोचा। अभी अपना राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, अपना ऐश मौस कर रहे हैं। उसका जूता पॉलिश करने वाला को 10 रुपया मिलता होगा, लेकिन सहिका सेविका को 200 रुपया भी नहीं मिलता रोज के। हम लोग आंदोलन में ही रहेंगे, झांसी की रानी बन के दिखा देंगे सरकार को क्या ताकत है। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है ना, इसी भारत की माता की गर्व पर वो लोग बना है। अब खास करके पूछिए तो महिला के ही वोट से लोग जीता है। एक एक घर में हम लोग जाते थे ना, क्या बोलता था हस्बैंड मेरा, बोला तो बोला हम देंगे मोदी सरकार को, हम देंगे नीतीश सरकार को। लेकिन दोनों सरकार एक तरफ से 50% दिया। लोग को लेकिन 50 में क्या, बाएं से दो दाएं से ले लो, ऐसा शोषण कर रहा है नारी को सब दिन। नहीं, आप ना नारी को निकाल दिया रोड पर, वो भी देखे निकाला। हम लोग समस्या समस्या ही समस्या है सर, क्योंकि हम लोगों को कहा गया कि 4 घंटा का ड्यूटी करना, लेकिन यहाँ 12 घंटा का ड्यूटी करवाता है। अपना जो खटते हैं खटते रहे, बाल बच्चा से भी खटवाते हैं, तो हमारे साथ अन्याय नहीं करता है सरकार जी। जी इसमें भी समस्या होता है। जी इसमें भी मान्य नहीं है। हम लोग अगर हम लोगों को नहीं अगर अथी देगा मान दे तो हम लोग आंदोलन करवे करेंगे। मेरा नाम कलावती देवी, कोर्ट संख्या 124, पंचायत गुंगी। जी हम लोगों की समस्या से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हुआ है। जी जी क्या क्या चीज़ आप लोग हड़ताल होने से प्रभावित हैं? मतलब सेविकाओं के हड़ताल करने से प्रभावित हैं क्या होगी? हैं, सभी कार्य प्रभावित होंगे, ICDS से संबंधित रिलेटेड जितने भी कार्य हैं सभी प्रभावित होंगे। ये यूनियन तो पहले भी कई बार सवाल उठा चुका है आपका, पटना से लेकर पूर्णिया तक और सभी जिला में पहले भी ये इस तरह का मांग उठा है, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, फिर आप लोग वही कर रहे हैं, फिर क्या मिले? सरकार लापरवाह है, वादा खिलाफ है। चुनाव जब आती है तो वो बोलते हैं कि सेविका और सहायिकाओं की मानदेय दोगुना कर देंगे, उसके चुनाव जब बीत जाती है तो वो अपने वादे से मुकर जाती हैं। ऐसी सरकार निकम्मे सरकार को हम लोग उठा के, हमारी सेविका बहने हमारी महिला बहने जितनी भी हैं तो सब उठा के उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हम लोगों की मांगे ऐसा, अगर सेविका लोगों की मांगे अगर पूरा नहीं करती हैं तो इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा सरकार को। क्या लगता है इस बार बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होंगी जब तक नहीं होंगे तो तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इस बार भी आगे चुनाव है और चुनाव के समय में ही आप लोग हड़ताल किए हैं, क्या उम्मीद है? हमें चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी मांगे जो है उसे पूरा कर दें, हम अपनी हड़ताल को तोड़ देंगे, हम अपने वर्क पर, हमारी सेविकाएं अपने वर्क पर वापस लौटाएंगी, काम करेंगी, पूर्ववत काम करेंगे। इस बार आप लोग का अडिग है कि जब तक मान्यता नहीं? बिल्कुल अडिग है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सेविकाएं हड़ताल पर रहेंगी। क्या परिचय? मैं सेविका संघ संयोजक विपिन कुमार यादव।